नमस्कार। आज हमारे पास साथ फिर से एक और पेशेंट है। पेशेंट एक है लेकिन बीमारियां अनेक हैं। जी हाँ, ये पेशेंट है हमारे साथ। इनको नज़ला भी है, इनको कमर दर्द भी है, इनको पाँव में दर्द भी है और पाँव में सूनापन जलन वो भी है नहीं था। पहले पेशेंट जब हमारे पास आए थे तो ये सारी प्रॉब्लम इन पेशेंट के साथ थी। अब इनको वो प्रॉब्लम्स नहीं है। इनको प्रॉब्लम थी, मैं बता देता हूँ। इनको छींकें आती थी, नाक से पानी बहता था, नाक बंद रहती थी, कफ आता था, सर दर्द होता था, कानों में भी इनको आवाज़ में सुनने में दिक्कत होती थी, आँखों में इनको इचिंग होती थी, कान में इचिंग होती थी, नाक में इचिंग होती थी, गले में खरखराहट रहता था, आँखों से पानी गिरता था, आँखें लाल भी रहती थी, सांस की दिक्कत भी थी इनको और जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम भी हो जाता था। इसके साथ में इनको कमर दर्द भी था और पाँव में दर्द, सूनापन, जलन ये सब भी थी। साथ में इनको जब भी मौसम चेंज होता था या जब भी ये धूल मिट्टी में जाते थे उन सब से भी इनको दिक्कत होती थी। आइए हम सीधा पेशेंट से ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हो, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम थी, एक बार आप बताइए। सर, मेरा नाम मोतीराम है और मैं नागौर ज़िले के मकराना तहसील का रहने वाला हूँ। और मेरे को ये दिक्कत लगभग 2015 से थी। 2015 से आपको मोतीराम ये सारी दिक्कत थी। तो आपने कहाँ कहाँ इस बीमारी के लिए, आप सिंपल सी 5 साल से आपको दिक्कत थी तो आप घूमे होंगे अलग अलग जगह पे, कहाँ कहाँ आपने दिखाया। सर, जैसे जयपुर भी मैंने चेक करवाया था, अजमेर में से मैं कंटिन्यू 5 साल से दवाई ले रहा था यहाँ आने से पहले। और उसके जो भी मतलब आसपास में डॉक्टर मकराना के थे, कहीं के नागौर के थे, उनसे हम मिले थे। तो वहाँ से आप अलग अलग, आपने 2-3 हॉस्पिटलों के जगह के नाम बताए, वहाँ से आपने दवाइयाँ ली, वहाँ से आपको कोई रिलीफ या कोई आराम। रिलीफ जब तक हम दवाई लेते थे उसी दिन मतलब दवाई 2-3 दिन छोड़ देते, बीच में वापस वही प्रॉब्लम हो जाता था। ये आप जब तक ले रहे थे टेम्परेरी आपको रिलीफ में, एक इमरजेंसी वाला काम हो गया, आपने ली ठीक है, फिर दो तीन हाँ, दिन बाद वही वो कंडीशन आ गई। टेबलेट लेता इसको जब तक असर रहता तब तक मेरे को रिलीफ था, और जब इसका असर खत्म हुआ मेरे को वापिस वही प्रॉब्लम। देखिए, यही चीज़ हमें समझने की है कि जो दवाइयाँ हैं वो बीमारियों की जड़ के ऊपर काम नहीं करती, इसलिए पेशेंट जब तक लेता है तब तक ठीक रहता है, जैसे छोड़ देता है 2 से 3 दिन में वैसी की वैसी कंडीशन पे आ जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक आप इमरजेंसी की तरह उसको यूज़ कर रहे हो, आपने ली ठीक है, छोड़ते ही आप फिर से कंडीशन उसी कंडीशन पे आ गए। तो इसके अलावा कहीं आपने कोई होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या योगा से कभी ट्रीटमेंट किया हो। ये नहीं किया मैंने, ये मैंने यूट्यूब पर ये चैनल देखा था SMT क्लिनिक का। इस पे मैंने मतलब मैं साल भर से इसको देख रहा था, तो फिर हमारे नज़दीक के कई पेशेंट आपके पास ठीक होके गए थे और उनका अनुभव हमने सुना, तो उसके हिसाब से हमने विश्वास करके हम यहाँ आए। देखिए, ये आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो डालते हैं, बता रहे हैं कि साल भर से ये हमें फॉलो कर रहे थे और यहाँ जो इनके डिस्टिंग, जैसे ये राजस्थान से हैं तो आसपास के लोगों को ये देखते थे, यहाँ जो इनके आसपास से लोग आते थे उनसे मिलते थे और उनका रिव्यू लेते थे। फिर इन्होंने एक विश्वास जताया कि यहाँ पे बिना दवाई ठीक हो सकता है, क्योंकि पेशेंट काफ़ी सालों से परेशान होता है, 2-4-5 साल से दवाई लेता है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 10-10, 20-20, 30-30 साल भी हो जाता है नज़ला, लेकिन उनको एक विश्वास करना पड़ेगा, जैसे मोतीराम ने किया है। उन्होंने अलग अलग पेशेंटों का रिव्यू लिया, देखा और फिर ये यहाँ पे आए हैं और अब ये पूरी तरह से ठीक है। और जो अपनी बता रहे हैं कि 5 साल से कैसे परेशान थे और अब एकदम से ठीक है। और इसके अलावा और कोई आपको दिक्कत या आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में भी, कैसी लगी थेरेपी, 5 साल आपने दवाई ली, इधर उधर ये घूमे। मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी, न तो कोई दवाई न कोई इंजेक्शन, कोई भी मतलब कुछ नहीं, खाली एक्यूपंचर और मैग्नेट थेरेपी से इलाज होता है, और मतलब बहुत सरल इलाज है ये। बहुत आसान ट्रीटमेंट है, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई ट्रीटमेंट होगा। पेशेंट को ना कोई दवाई, ना कोई मेडिसिन, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई सर्जरी, इसके बावजूद भी पेशेंट पूरा ठीक है। हाथ दिखाई मोतीराम, एक्यूपंचर करते हैं, साथ में ये है अलग अलग पॉइंट्स में मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेट थेरेपी। जो पेशेंट आ नहीं सकता या जिसको आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई मजबूरी है, किसी कारणवश नहीं आ सकता, उसके लिए हम लोगों ने अभी एक किट तैयार की है ऑनलाइन, वो हम लोग किट देंगे।
ऐसे पेशेंट जो दूर है प्रैक्टिकली, जिनका आना पॉसिबल नहीं, तो आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन डॉक्टर साहब से बातें करेंगे, अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे और आपको वो किट दे दी जाएगी, आप घर बैठे भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप है जिन्होंने मोतीराम का ट्रीटमेंट किया, हम उनसे जानेंगे कि कैसे ये पॉसिबल हुआ और कैसे वो इतनी पकड़ रखते हैं, या कैसे ठीक हो जाता है पेशेंट, इतने साल दवाई लेता है फिर भी ठीक नहीं होता, यहाँ इतनी आसानी से इतने सरल तरीके से ठीक हो जाता है बिना गोली दवाई के। जी, सबसे पहले जो इन्होंने बात की कि इतनी अच्छी पकड़ है, देखिए जब बीमारी की जड़ पे काम होता है तो बीमारी सारी ठीक होती है, चाहे वो बीमारी छोटी हो, चाहे पुरानी हो, चाहे वो बीमारी बड़ी हो, बस उसमें ये देखना पड़ता है कि उस बीमारी का लेवल क्या है, उस बीमारी की स्टेज क्या है और इसको कितनी पुरानी हो गई है, फिर उस बीमारी की जड़ पे काम करिए, उस बीमारी की जड़ को काटिए तब बीमारी कटती है। अगर हम सिम्टोमेटिकली की बात करें, जिस तरह छींक आ रही है तो इन्होंने दवाई ले ली, या नाक बह रही है, जुकाम हो रहा है, तो उस तरह से अगर दवाई यूज़ करते हैं फिर लेते हैं तब तक ठीक है, छोड़ने के बाद में फिर उस कंडीशन पे आता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बीमारी की जड़ पे काम नहीं हुआ है। दूसरे, जिस तरह की डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोग दूर से हैं या हमारे जो आउट ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा जो लोग पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन किट, अब उनके लिए सुविधा शुरू हो गई है, प्रोसेस में सब कुछ है, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में हम कुछ लोगों को ये देंगे, क्योंकि अभी पूरा सेटअप बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हफ्ता 5 दिन लगेंगे, तो उससे पहले जितने लोगों को भी मिल सकती है वो लोग ऑनलाइन किट ले सकते हैं। और अब उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है 101% कि मैं आपसे ऑनलाइन भी बात कर पाऊंगा, क्योंकि आपको इतनी दूर आना भी नहीं पड़ेगा, आने जाने का खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास लगातार आ रही है और इनकी लगातार डिमांड बनी हुई है कि सर हमें यहाँ बैठे कोई ट्रीटमेंट दीजिए। पीछे एक लाइव वीडियो में भी मैंने उनको ट्रीटमेंट बताया था कि आप कैसे पॉइंट्स दबा के या फिर जो घर पे ट्रीटमेंट करके अपने नज़ले को, अपनी एलर्जी को, अपने साइनस को कम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। अब उनके लिए एक प्रावधान और निकाल दिया कि हमने कि वो आ नहीं सकते, तो जिस जिस तरह से हम मैग्नेट लगाते हैं, यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी करते हैं, तो वो लोग घर पे कर सकते हैं, ईजी है बिल्कुल। उसके लिए भी आपको हम समझाएंगे, बताएंगे वाई वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, रात को मैग्नेट लगाएं और सुबह उतार दीजिए और अपना दिन का जो काम है ऐसा कैसा चलाते रहें, और जो छोटे मोटे थोड़े बहुत परहेज है ठंड से बचाओ या ठंडे पानी के, वो आपको थोड़े से करने पड़ेंगे। जिस तरह जिनको ये मोतीराम है, इनको 5 साल से तकलीफ थी कमर में, 1 साल से, और इनको हमने ट्रीटमेंट दिया। मोतीराम, कितने परसेंट आपको आराम महसूस हो रहा है? मेरे को ये नज़ले में तो 100 में से 100% इलाज मतलब हो गया, कमर में मैं 90-80% मान लो 80% मेरे को मतलब रिलीफ है। जिन पेशेंटों को जिस तरह इन्होंने बताया कि 80% हो गए हैं, और बल्कि आज ये जानना भी चाहते हैं, हमारे पास ये 10 तारीख को आए थे और आज करीब 16 तारीख हुई है, तो इन्होंने क्या किया, रिकवरी इनकी बहुत फास्ट हुई है, बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि दूसरा पेशेंट भी 6-7 दिन में रिकवरी लेता है, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा पेशेंट क्या पता 17 दिन ले ले और क्या पता 3 दिन में भी ठीक हो जाए, वो अलग अलग स्टेज के अलग अलग दिनों में होता है, और ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि किसी भी पेशेंट के आराम को जल्दी बढ़ाया जा सके और जल्दी घटाया जा सके, नहीं, आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करना होता है कि वो कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रही है, उसके हिसाब से ही पेशेंट को आराम मिलता है। जो लोग दूर बैठे हैं और इस तरह के दर्द से या नज़ले से परेशान है, लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं और वो लेके भी थक गए हैं, या फिर उनके ऊपर आज दवाइयाँ और इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, तो वो लोग मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंचर से अपना ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हैं अपनी बीमारी को, या आपका आना पॉसिबल नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेट थेरेपी करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई गोली दवाई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लेना है, जिस तरह इन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंचर से ट्रीटमेंट हुआ है। एक इन्होंने बात और बोली थी बीच में कि नागौर ज़िले के बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं तो ये विश्वास करके आए हैं, ऐसा बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर अब कुछ साउथ हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है इंडिया का, तो ये नहीं है कि साउथ इंडिया के लोग आएंगे तो ही साउथ इंडिया के पेशेंट आने शुरू होंगे। देखिए, नागौर ज़िले के किसी व्यक्ति ने तो शुरुआत की होगी, तो आपके एरिया से आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको बिना संकोच किए, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर आप इस वेट में बैठे हैं तो क्या आप लेट हो जाएंगे, जिस तरह इन्होंने बताया कि 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी बीमारी को इन्होंने 1 साल तक बढ़ाया है, ना कि इन्होंने घटाया है। तो इस तरह लेट होने के बाद भी क्या होगा, ट्रीटमेंट के जो दिन हैं वो भी बढ़ जाते हैं, उसके हिसाब से बीमारी भी बढ़ जाती है, तो आपको इस तरह नहीं करना है। आपको
जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आपकी बीमारी को आप काट सके वो करना है। मैं नहीं कहता कि आप SMT क्लिनिक में ही एक्यूपंचर मैग्नेट थेरेपी कराएं, जो लोग दूर हैं उनके आसपास में भी अगर कोई मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंचर के डॉक्टर हैं, वैसे तो बहुत ही कम और रेयर डॉक्टर है, अगर मिल भी जाते हैं आपको तो आप वहाँ से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी बीमारी को जड़ से काट सकते हैं। दूसरी उन लोगों के लिए बात है जो लंबे समय तक दवाइयाँ खाते हैं और उसके बाद भी दवाई वाले डॉक्टर चेंज नहीं करते हैं, तो वो एक बार जो अल्टरनेट थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, हाइपनोथेरेपी है, योगा है, मेडिटेशन है, उसमें एक बार ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर ही चेंज करते हैं, दवाई जो उनका पैटर्न है उसको चेंज नहीं करते हैं, तो उनको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक दो साल में जो बीमारी नहीं कट सकती, और वो आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में उसको कोई काट सकता है, तो ये बात आप मन से निकाल लीजिए, आप मन में बिल्कुल बिठा लीजिए, दोनों ही आपके लिए कारगर है। मन में बिठा लेंगे तो भी आपको दवाई खानी है, और मन से निकाल देंगे तो भी आपको दवाई खानी है। 5 साल में इनका नज़ला ठीक नहीं हुआ तो, और बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनको 6 महीने 8 महीने से ही दिक्कत हो चुकी होती है, और वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट लेके अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी मिले हैं जिनको 15 साल 20 साल से दिक्कत है और उनको ठीक होने में 20-25 दिन लग जाते हैं। तो फ़र्क यही है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जल्दी अपनी बीमारी को ठीक करके ट्रीटमेंट लेके उससे पीछा छुड़वा लेते हैं, और कुछ लोग इसी में रहते हैं, कुछ नहीं है चलता रहेगा, 2 गोली ले लिए गोली, लेकिन वो ध्यान रखें कि उसका साइड इफेक्ट और उसे आने वाले दुष्प्रभाव उसी के शरीर को खराब करेंगे, ना कि किसी और के शरीर को। जो बीमारी 6 महीने 1 साल में ठीक नहीं हो सकती, वो लंबे समय तक भी ठीक नहीं हो सकती। जनरली आपने देखा होगा कैंसर के जो ट्रीटमेंट चलते हैं, कैंसर भी शायद ऑपरेशन करने के बाद, या कुछ एक कैंसर है जो ठीक नहीं होती, कुछ एक है जो ठीक हो जाती है, कुछ एक का ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ एक का कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, तो इस तरह 1 साल 2 साल या 3 साल की प्रोसेस में कैंसर भी ठीक हो जाती है। और एक कमर दर्द, एक नज़ले का, एक घुटने के दर्द का पेशेंट 15 साल दवाई खाते हैं तो वो कैंसर बड़ी है या दर्द बड़ा है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, वो 2-3 साल में जो ठीक हो रहे हैं वो काटी जा सकती है, तो दर्द को क्यों नहीं ठीक किया जा सकता। अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा, इट्स मीन्स वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए आप भले ही जितनी मर्जी दवाई खा लीजिए, जितने मर्जी इंजेक्शन ले लीजिए। और अब तो ट्रेंड चल गया है, बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं हमने तो कमर में इंजेक्शन लगवाया था, 1 साल 6 महीने तो हम ठीक रहे, उसके बाद उससे भी बदतर हालत हो गई है। इस तरह कुछ कोहनी के दर्द के मिलते हैं, इस तरह कुछ घुटने के दर्द के मिल रहे हैं, लगातार ऐसे पेशेंटों की लाइन लगी हुई है, और लगातार इसी तरह की वर्डिंग जो है वो सामने आ रही है कि क्योंकि लोग एक बार तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो उससे अच्छा है आप अपने घर पे एक्सरसाइज करें, योगा करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को फॉलो करें, eLife Cares और SMT क्लिनिक के नाम से। और आप मेरा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप जांगरा के नाम से जो पेज हैं, Instagram है, YouTube चैनल है, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अल्टरनेट थेरेपी क्या है और किन किन बीमारियों का इलाज कर देती है। डॉक्टर राजेश है, इनके मन में कुछ बात है जो ये कहना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता था कि एक्यूपंचर और मैग्नेटिक थेरेपी से सिर्फ नज़ला कमर दर्द ही ठीक नहीं होता, बल्कि अगर आपको गर्दन में दर्द है, गर्दन की वजह से आपको अगर हाथों में दर्द आ रहा है, सूनापन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, कमर में दर्द है, आपको पाँव में दर्द आ रहा है, सूनापन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, इसके साथ में अगर आपको नज़ला भी है, साइनस है, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको बताई गई है, घुटने का दर्द आपको बताया गया है, डॉक्टर कहते हैं कि आपकी कमर सिनस दब गई या घुटनों में आपका गैप कम हो गया है, ग्रीस कम हो गया है, तो ऐसी बीमारियों का इलाज भी SMT क्लिनिक में किया जाता है। जहाँ आप इतने हॉस्पिटल अलग अलग जगह दिखा चुके हो, आप एक बार SMT क्लिनिक में ज़रूर आइए, एक विश्वास दिखाइए, एक बार आप आके डॉक्टर को दिखाइए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी रिपोर्ट लेके आइए, उनको बताइए, आप भी ठीक होंगे जैसे और पेशेंट ठीक होके जाते हैं, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा देश है या हमारे जो हरियाणा के निवासी, आसपास के निवासी हैं, वो बहुत जल्द अपनी बीमारियों से, अपनी दवाइयों से छुटकारा पाएं और एक बेहतर ज़िंदगी जिए। थैंक यू।